काम करत आणि भोजपुरी देखेवाला सब दर्शक लोग के आजकल बानी हम ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले एल बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज स्टार लोग से जुड़ल हर तमाम खबर के लेके जो जनला का बाद रोवो सबके हो खेला बहुत खुशी। आ प्रोग्राम के अंत में हम बताई ले कुछ दर्शक लोग के मैसेज हर कोई भेजेला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर तो ई मैसेज हम अंत में बताए लेकिन उससे पहले हम खबर बतावे जा रहा बानी जमें पहला खबर निरहुआ से जुड़ल बटे। निरहुआ आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहता रहे लगता कि हम रूपाली से दूर बोला के बाद उनकर मन नइखे लगत आ टाइम नइखे कटत यही से सोशल मीडिया पर बहुत लाइव रहले अपन दर्शक लोग के बहुत रिस्पांस देवे लागल बड़े। इंस्टा से लेकर उनके फेसबुक के अकाउंट तक उनका लेटेस्ट अपडेट हमेशा से मिलत रहला। तो फिलहाल हम निरहुआ के यही एक्टिवनेस से जुड़ल एगो खास खबर दिखावे जा रहल बानी देखी। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ के ने आज सुबह सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड की डेजी क्वीन प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा को जन्मदिन की बधाई दी। जी हां, निरहुआ ने अपने इंस्टा पर सिद्धार्थ की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। वैसे आप लोगों को बता दें, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में निरहुआ ने दो दो बड़ी फिल्में बनाई है, जिसमें से पहली फिल्म थी बम बम बोल रहा है काशी, तो वहीं दूसरी फिल्म है काशी अमरनाथ। और इसी फिल्मों के दौरान निरहुआ और सिद्धार्थ की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई, जिसके बाद कई बार ये दोनों एक साथ भी नजर आ चुके हैं। वैसे आप लोगों को बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ रवि किशन ऐसे हीरो हैं जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में फिल्म में काम किया है और आगे भी निरहुआ प्रियंका के भाई सिद्धार्थ के साथ मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में लेकर आने का प्लान कर रहे हैं जो कि काफी बड़ी बजट की फिल्में होंगी। निरहुआ के एक्टिव रहला के पीछे उनकर खुशी भी हो गया, खुशी के कारण बटे कि उनकर बॉर्डर फिल्म पांचवा सप्ताह में प्रवेश करके धमाल मचा दे ले भैया। तो फिलहाल हम बढ़त आनी आगे जान लेवे के अगला खबर जो खेसारी लाल से जुड़ल बटे। खेसारी लाल हाल ही में लाइव आयल रहे, बीतल दिन पहले 12 बजे लाइव आयल रहे जहाँ वह अपन दर्द बयां करत नजर आयल बड़े। कहले कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे साथ कोई नहीं था भाई, पूरा परिवार तो रहवे न करे, अब दर्शक लोग थोड़ी साथ दी ही लोग, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा लोग कैसे साथ दी ही लोग जब तक रोवा सब के कोई पहचानी ना नाम ना होगी। हमेशा स्ट्रगल करके ही सब कोई आगे बढ़ेला और रउरा स्ट्रगल कैले बनी ये बात में कोनो शक नहीं थे, लेकिन एगो बात रउर अच्छा लागल कि जे रोवा सबके उलाह ना करेला चाहे रउआ खातिर बात करेला ओकरा के रउआ सम्मानित करेले या सम्मान दी ले, ये अच्छा बात बटे। फिलहाल हम दर्शक लोग के दिखावे जा रहल बानी कि खेसारी लाल लाइव आके अपन फिल्म के देखे खातिर का कुछ गुजारिश कैले बड़े देखी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां खेसारी अपने शूट होने वाली तमाम फिल्मों के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन पहले उनकी फिल्म राजा जानी सिनेमा घरों में रिलीज हुई जिसे दर्शकों का अता प्यार मिला। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए खेसारी रात के 12 बजे लाइव आए, ज्यादा रात होने के कारण वैसे तो ज्यादा लोग उनसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन जितने भी लोगों ने खेसारी को लाइव देखा उन्होंने खेसारी से कई सारी बातें की। इस दौरान खेसारी ने गाली देने वालों और खेसारी का कटाक्ष करने वालों का जवाब दिया है और कहा है कि मैं सब लोगों का सम्मान करता हूं, जिन्हें मैं पसंद हूं और जिन्हें ना पसंद हूं उन सबको मैं सम्मान देता हूं, वो मेरे लिए पूजनीय हैं, वो सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं। इसके साथ ही खेसारी ने सभी से अनुरोध किया कि मेरी फिल्म को दर्शक जरूर देखें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। खेसारी की ये बात कहने का फायदा उन्हें इस तरह मिला है कि फिल्म को सिनेमाघरों में लगते ही आज भारी भीड़ के साथ देखा गया। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर खेसारी लाल से ना पवन सिंह से जुड़ल बाटे। पवन सिंह के एक फिल्म के नाम रउआ सब जरूर सुन ले हो कम, ए फिल्म के नाम रहे लव इन गोवा, लेकिन खाली रउआ सब ये फिल्म के नाम ही सुन ले बनी। ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म बाटे, हिंदी फिल्म बाटे, जकरा के जैसे ही खबर आयल तो ये बात छा गई पूरा इंडस्ट्री में कि बॉलीवुड में पवन सिंह के एंट्री होके जा रहा बा, लेकिन अभी तक एंट्री नहींखे भयल काहे कि पवन अभी तक ये फिल्म के शूट नहींखन कैले। पवन सिंह के फिल्म लव इन गोवा आजकल चर्चा में बन गई भैया, काहे कि यही फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी कर रहल बड़े कपिल शर्मा के बायोपिक बनावे जा रहल बड़े, जे चर्चा में बनल बटे आजकल। आ हो सका था ये फिल्म के बाद वो पवन सिंह का साथ है लव इन गोवा के फिल्म भी शूट करस, काहे कि वो कहले बड़े कि अगर बॉलीवुड से शुरुआत पवन करी है तो पहले हमरे फिल्म से करी है, तो हम लेके आयल बनी पवन सिंह के नया फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर देखी।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं। उनकी फिल्म मा तुझे सलाम आने वाली 15 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज भी होगी। लेकिन इसी बीच पवन सिंह से जुड़ी एक खबर देखने को मिली है। वो खबर ये है कि पवन जल्द ही अपनी हिंदी फिल्म लव इन गोवा से करेंगे बॉलीवुड में एंट्री। हालांकि ये खबरें आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, क्योंकि पवन सिंह की फिल्म लव इन गोवा से जुड़ी तमाम खबरें आप लोग पहले भी देख और सुन चुके हैं। लेकिन अभी तक ये फिल्म ना तो रिलीज होने की खबर सामने आई और ना ही इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कोई खबर सामने आई। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक इस फिल्म की शूटिंग पवन ने शुरू ही नहीं कही थी। महीनों पहले पवन सिंह ने अपनी इस फिल्म को साइन जरूर किया था, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं की। इस फिल्म के निर्माता विनोद तिवारी हैं, जिन्होंने पवन के साथ फिल्म करने का फैसला ले लिया है और हो सके तो जल्दी ही पवन अपनी इस फिल्म के साथ एंट्री भी ले। फिलहाल विनोद तिवारी कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका नाम है ये तेरी भाभी है पगले। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे भोजपुरी के सिंगर लोग के राजनीतिक तालुकात से। अब देखिए, जितना लोग पॉपुलर होत जाता इंडस्ट्री के, उतने लोग के बीजेपी अपना तरफ ले लेता। अब मनोज तिवारी हुए, चाहे रवि किशन, पवन सिंह और कल्पना पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो गई बड़ी। बीतल दिन पहले उनका के शामिल कर लेवल गई बा, सम्मानित कर गई। आ कल्पना पटवारी के बीजेपी में शामिल भइला से पार्टी के फायदा जरूर हो सकता, काहे कि भोजपुरी भाषा के विदेश में खुशबू फैलावे वाला, चाहे चर्चा बिखेरे वाला कल्पना पटवारी भी हुई, जो भोजपुरी के नाम आसान के विदेश में गईले बड़ी सब लोग के सामने लोकप्रियता बटोरले बड़ी। तो फिलहाल हम कल्पना पटवारी के राजनीतिक दाव से जुड़ा एगो खास खबर लेके आई बनी, देखी। भोजपुरी गीत संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली भोजपुरी और असमी की प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पटना में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कई नेता मौजूद थे। कल्पना ने बीजेपी के प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की और राजनीतिक मंचों से हमेशा दूर रही कल्पना पटवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सोच देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने की है। कल्पना ने कहा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते वह अपनी कला से बीजेपी के हित में काम करेंगी। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म जगत से मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे दो बड़े दिग्गज पहले से ही बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। कुछ समय पहले ही पवन सिंह भी, जो बिहार के लोकप्रिय सिंगर हैं, वो भी शामिल हो चुके हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में लोकसभा सांसद होने के साथ साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। आज के कुछ ताजा खबर, चले के समय हो चुकल बा। अगला प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे नहीं कुछ इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल खबर का साथ है। लेकिन जाए से पहले हम बता ही लेगो मैसेज जो भेजले बड़े अदिति सुंघांत, ये लिखा तारे कि मैं निरहुआ का बहुत बड़ा फैन हूँ और निरहुआ के बच्चे हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कब दिखाई देंगी भाई, मुझे बहुत इंतजार है। अगर सुन रहल बाड़े निरहुआ तो गौर जरूर फरमाए अदिति सुगांत के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले के समय हो चुकल बा, ज्यादा नहीं हम, लेकिन जाए से पहले कहल चाहें कि रउआ लोग नेक्स्ट टू नाइन के ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही। अपन फेवरेट स्टार खातिर एगो प्यार भरल खास मैसेज जरूर करें लोग, ताकि अगले एपिसोड में हमरा और मैसेज के ले सकी। आ फिलहाल खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।